हेलो स्टूडेंट, वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। यानी इसमें हम क्या देखेंगे, क्या चीज हैवी होती है, क्या लाइट होती है। हम इसमें क्या देखने वाले हैं, कंपेयर करते हैं दे आर हैवी और लाइट। कोई भी चीज उसका वेट कितना होता है और उन्हें कंपेरिजन करने वाले इस चैप्टर में कि किसी चीज का वेट हम कैसे मेजर करते हैं और उसे कैसे बता सकते हैं कि कौन सी चीज हैवी होती है, कौन सी चीज लाइट होती है। तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं और आपको पहले भी थर्ड में बताया था, अभी आप फोर्थ में हो। थर्ड में आपको बताया था 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। हम मेजर कोई भी चीज को मेजर किसमें करते हैं, ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। और मेजर में जो वेट मेजर करने की जो यूनिट होती है वो ग्राम किलोग्राम होती है। तो क्या होता है, 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। अगर कोई चीज जो है वो 1 किलोग्राम की है मीन्स वो 1000 ग्राम की है। यह आपको लर्न होना चाहिए कि 1 किलोग्राम = 1000 ग्राम। अब देखिए आपकी बुक में है, आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 133 पे है आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, हाउ हैवी हाउ लाइट। इसमें देखेंगे हेज एंड मनु, तो बच्चे हेज एंड मनु वे आर शिफ्टिंग हाउस। वो क्या कर रहे हैं, अपना जो घर है वो शिफ्ट कर रहे हैं, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह पे रहने जा रहे हैं। दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन अ हाउस कार्ट। जो हाउस कार्ट है इसका पिक्चर भी यहाँ पे देखेंगे आप दिया हुआ है। इसके अंदर हमने क्या करा है, अपने घर की सभी चीजों को रख दिया है, लोड कर दिया है। क्या क्या है इसमें, वाटर टैंक, 5 सेट ऑफ वीट की 5 सेट्स है, 3 टेबल एंड अलमीरा, 4 चेयर, 2 मैट्रेस, 3 सेट्स ऑफ राइस, बम्बू लैडर, पॉट्स एंड पैन। ये सब चीजें है, क्या क्या चीजें, देखो मैंने उसका यहाँ पे टेबल बना दिया है। वो क्या क्या चीजें लोड करके ले जा रहे हैं हाउस पार्ट में, देखेंगे वीट, सैक ऑफ वीट, वीट के जो बोरी है वो 5 लेके जा रहे हैं, राइस की 3 जो है सैक वो लेके जा रहे हैं, वाटर टैंक 1, अलमीरा 1 है, टेबल उनके पास 3 है, चेयर 4 है, मैट्रेस 2 है, एंड बम्बू एंड लेडर्स 1 है, और पॉट्स एंड पैन्स भी जा रहे हैं। तो उनका वेट भी दिया हुआ है कि जो 1 जो है वो वीट की जो 1 सेट है उसका जो वेट है वो 100 है, पर वो कितनी लेके जा रहे हैं, ऐसे वीट के सेट 5 लेके जा रहे हैं, और 1 जो सेट है वीट की उसका वेट कितना है 100 है। 1 का जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 राइस सेट का वेट जो है 35 kg है, 1 वाटर टैंक ले जा रहे हैं वो 50 kg का है, 1 अलमीरा ले जा रहे हैं वो 70 kg की है, 3 टेबल ले जा रहे हैं तो 1 टेबल का जो वेट है वो 10 kg है, तो वो कितनी ले जा रहे हैं, 3 टेबल ले जा रहे हैं, 1 चेयर का वेट 5 kg है और वो ऐसी 4 चेयर लेके जा रहे हैं, 1 मैट्रेस का जो वेट है वो 20 kg है, वो ऐसे 2 लेके जा रहे हैं, बम्बू एंड लेडर जो है वो बम्बू की जो लेडर बनी हुई है जो सीढ़ी होती है वो बनी हुई है उनके पास ओनली 1 है, उसका वेट 10 kg है, और जितने भी पॉट्स एंड पैन्स है उसका जो है वेट वो 10 kg है। तो यहाँ पे दे दिया है, तो हम बता रहे हैं आपको क्या करेंगे, हम टोटल वेट उनका देख लेंगे कितना कितना है। तो 1 वीट की जो 1 सेट है उसका वेट है मीन वीट की जो 1 बोरी है, एक बोरी में जब वो वीट भरते हैं यानी जो गेहूं होता है वो भरा है उन्हें 1 बोरी में, तो उसका वेट जो है 100 kg है। तो ऐसे ही वो 5 लेके जा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, 500 वेट हो जाएगा। 1 जो बोरा है वो वीट से भरा हुआ है उसका जो वेट होता है 100 kg है, तो ऐसे ही उनके पास 5 है तो टोटल वेट हो जाएगा 500 kg। और यहाँ पे देखिए राइस, राइस का जो 1 सेट है उसका जो वेट है 35 है, तो ऐसे उनके पास 3 है तो कितने हो जाएगा उसका वेट, 35 + 35 + 35 मीन्स 35 × 3, 3 है यहाँ पे देखेंगे तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 35 × 3। इसी टाइप से हमने इसका भी वेट किया था, 100 × 5 = 500। अब देखेंगे 3 × 5 = 50, 5 × 1 = 9 × 10, तो ये हो जाएगी 105 kg। अब देखेंगे वाटर टैंक ओनली 1 है उनके पास, तो 50 × 50 हो जाएगा इसका वेट। अब देखेंगे अलमीरा 1 ही है तो इसका वेट 70 kg हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे
पैसे 4 चेयर है उनके पास, तो 5 केजी की 1 चेयर है, तो ये हो जाएंगे 20 केजी, 4 5 20। अब देखेंगे मैट्रेस जो है 120 केजी की, यहाँ पे 2 मैट्रेस है तो ये हो जाएंगे 40 केजी। अब देखेंगे यहाँ बम्बू है, लेडर है जो उसकी वो 10 केजी की होगी, क्योंकि 1 ही है और ये भी 10 केजी की होगी, इसमें बताया नहीं कि वो पॉट्स एंड पैन कितने, टोटल 10 केजी। तो इतना वेट जो है उन्होंने वो हाउस कार्ट पे रख दिया है। अब हम क्या बोलना चाहते हैं, इसे हम पहले टोटल कर देते हैं कि कितना हो गया है, तो यहाँ से टोटल करेंगे 0 + 5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5। हमने इसे प्लस किया तो ये हो गया 5। अब देखेंगे 0 + 0 + 5 5 + 7 तो ये 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 + 3 15 20 + 2 17 17 + 4 21 21 + 1 22 22 + 1 23 तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1। 5 + 1 6 6 + 1 7 तो ये हो गया 1, सॉरी यहाँ पे 2 कैरी आएगा, 2 + 5 7 + 1 8 तो ये हो गया 835। टोटल वेट कितना हो गया 835 केजी वेट हुई है हाउस पार्ट पे रख दिया है। अब आगे देखते क्या होता है, व्हेन दे वेयर रेडी टू मूव द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट दे वंडर्ड व्हाई देयर फादर सेड दैट दिस हॉर्स वाज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 केजी। जब वो हाउस पार्ट के ऊपर सब कुछ सामान रख देते हैं तो वो क्या होता है, हॉर्स जो होता है वो हाउस पार्ट को नहीं खींच पाता है, वो आगे नहीं चल पाता है। तब उसके उनके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि ये जो हॉर्स है वो 700 केजी से अधिक वेट नहीं लेके जा सकता, और आपने कितना वेट कर दिया उसके ऊपर 835 केजी, और जो हॉर्स है वो 700 केजी से ज्यादा वेट नहीं लेके जा सकता है। तो क्या करते हैं वो लोग, देखेंगे क्या करते हैं, तो ओ बट हाउ हैवी इज दिस लोड दे आर, तो वो बोलते कि ये कितना है, फिर वो टोटल कर लेते हैं कि कितना वेट उन्होंने हाउस कार्ट पे रखा है। उन्होंने 835 केजी हाउस कार्ट पे वेट रख दिया है। अब वो हॉर्स कार्ट हॉर्स क्या कर सकता है, ओनली 700 केजी वेट को ले जा सकता है। तो क्या करते हैं, फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग, उनके फादर जो होते हैं उनको आइडिया देते हैं और क्या कहते हैं कि इसमें से कुछ चीजों को आप कम कर दो। तो क्या कम कर सकते हैं, वे सबका वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें से कौन सी चीज अगर वो कम कर दे तो जो हॉर्स कार्ट का जो वेट है उसमें ओनली 700 केजी ही वेट रह जाए। ठीक है, तो उनने सबका वेट कर लिया यहाँ से, तो वो हो गया 835। नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट, अब वो डिसाइड करते हैं कि इसमें से कुछ चीजों को वो रिमूव कर देंगे। अब वो किस किस चीज को रिमूव कर सकते हैं हम देखते हैं, हमें पता है कि टोटल वेट जो है वो हाउस कार्ट पे रखा हुआ है 835 केजी, और हाउस कार्ट पे कितना वेट रख सकते हैं 700, टोटल वेट है 835 केजी जो रखा हुआ है, और जो हॉर्स है वो कितना लोड खींच सकता है 700 केजी। तो हमें 835 में से हम 700 केजी को माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि उतना वेट हमें इसमें से रिमूव करना है। टोटल वेट में से अगर हम 700 को माइनस कर देंगे तो जो बाकी रह जाएगा वो हमें पता चल जाएगा कि इतना वेट हम इसमें से रिमूव कर देंगे तो उतना हम इसमें से निकाल सकते हैं, वो चीजों को हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो देखिए 835 - 700 - 5 - 0 - 0 - 3 - 0 - 5 - 0 - 5 - 3 - 0 - 3 - 8 - 7 - 1 तो क्या हुआ, इसका आंसर हो गया 135 केजी। इसमें से हमें 135 केजी जो वेट है वो रिमूव करना होगा, तब टोटल वेट कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो देखिए आप इसमें से क्या क्या चीजों को कम कर सकते हैं, तो देखिए हम इसमें से राइस की सेल कम कर दें तो ये हो गई 105 केजी, ये हम इसमें से कम कर देते हैं और 30 केजी कम कर देते हैं, यानी हम 3 टेबल इसमें से कम कर देते हैं। हमने क्या क्या करा, हमने क्या क्या कम करा,
राइस, राइस हमने कम कर दिया, थ्री शेयर, थ्री शेयर का प्राइस जो है वो कम कर दिया, प्लस हमने क्या करा, हमने करा थ्री टेबल, थ्री टेबल जो है वो हमने इसमें से कम कर दिया, तो टोटल रेट हो गया 105 प्लस 30 हो गया 135 केजी। तो ये चीजों को अगर हम इसमें से निकाल देंगे, हम क्या क्या निकाल देंगे, हम राइस की थ्री शेयर जो है वो हाउस हॉर्स कार्ट में से निकाल देंगे और क्या निकाल देंगे, थ्री टेबल निकाल देंगे, तो बाकी का जो टोटल रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 700। तो ये चीजें निकालने के बाद क्या होगा, जो हॉर्स कार्ट है वो आसानी से मूव करेगी और वो सामान दूसरी जगह जा पाएगा। तो ये हमारा आंसर था, हमने पहले क्या करा कि इसका टोटल रेट निकाल लिया 835 था और हमें पता था कि हॉर्स कितना जो लोड है वो मूव कर सकता है, तो 700 केजी था, तो इसमें से हमने देख लिया कि 135 केजी जो है हमें इसमें से रिमूव करना होगा। फिर हमने इसमें से ढूंढ लिया कि 135 केजी वेट किसका होता है, तो थ्री सेट ऑफ राइस एंड थ्री टेबल जो है ये हमने इसमें से रिमूव कर दिए, तो बाकी चीजें इसी भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये है, ये आपको अच्छे से रीड करना है। अब आगे हम देखते हैं, आगे दिया हुआ है एक्टिविटी, यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज हैवियर, क्या चीज हैवी है, मेक पेयर्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड व्हिच इज हैवियर, फर्स्ट गेस व्हिच थिंग्स विल टेक द पेन डाउन एंड देन चेक विद योर बैलेंस। आपको कोई भी टू थिंग्स लेना है और उसे कंपेयर करके देखना है कि कौन सी चीज जो हैवी है और कौन सी चीज लाइट है, तो हम किस टाइप से करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे मनु है, कौन है, मनु है, हेतन मनु है, वो ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि जो वेट करने का, जो बैलेंस करने का होता है वो कुछ स्टेप से होता है, स्टेप से होता है, इसमें हम वेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, एक कंपास लिया है और एक पेंसिल ली है। अब कंपास लिया है, ये कंपास समझ लीजिए और हमने एक पेंसिल ली है, पेंसिल लिए और दोनों चीजों को वो कंपेरिजन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कंपास को इस साइड कर देंगे और पेंसिल को इस साइड कर देंगे और दोनों का कंपेरिजन करेंगे, तब क्या होगा, ये जो बैलेंस वाला होगा, जिस पर वेट ज्यादा होगा वो इस टाइप से झुक जाएगा, कंपास वाला बैलेंस ज्यादा है तो ये क्या होगा, ये कंपास वाला जो होगा हम इसको तराजू करते जिससे नापते, तो ये वाला हैवी होगा तो ये वाला पोर्शन नीचे के साइड चला जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि कंपास इज हैवियर देन पेंसिल, कंपास जो है वो हैवी होगा पेंसिल से एंड पेंसिल इज लाइटर देन कंपास, पेंसिल लाइटर है यानी कम वेट वाली है कंपास से। तो ऐसे ही आपको टू थिंग्स देखनी है और उसका वेट कंपेरिजन करना है। सपोज आप घर पे क्या देख सकते हो, आप एक बाउल ले सकते हो और एक बड़ी सी प्लेट ले सकते हो, तो आप बाउल और प्लेट में देखोगे कि कौन सी चीज हैवी है, तो प्लेट हैवी होगी। और आप क्या चीज ले सकते हो, आप स्पून ले सकते हो, चम्मच ले सकते हो और एक कप ले सकते हो, तो दोनों में कंपेरिजन करके देखो तो कौन सी चीज हैवी होगी, कप ज्यादा हैवी होगा और स्पून कम हैवी होगा। तो ये एक्टिविटी है, आपको देखना है कि व्हाट इज हैवी है, आपको घर में कोई भी चीज ऐसी दो लेके देखना है और बताना है कि कौन सी चीज हैवी होगी। जैसे मेरे पास अभी डस्टर और चौक है, तो डस्टर और चौक में कौन सी चीज हैवी होगी, डस्टर ज्यादा हैवी होगा, चौक कम हैवी होगी। अब आगे देखते हैं व्हाट इज द हैवीएस्ट, कौन सी चीज हैवीएस्ट है, तो इसमें थ्री थिंग्स आपको लेनी है। तो देखेंगे आपके बुक में, आप देखिए 135 पेज पे, इसमें लाइटर इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट क्या है, लाइटेस्ट इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट, थ्री कॉलम बने हुए हैं इस टाइप से, लाइटेस्ट इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट, ऐसे थ्री कॉलम बने हुए हैं और आपको बताना है कोई थ्री थिंग्स लेना है तो कौन सी जो सबसे कम वेट वाली होगी,
कौन सी चीज होगी जो सबसे हैवी होगी और कौन सी चीज होगी जो दोनों के बिटवीन होगी, ना लाइटेस्ट होगी ना हैवीएस्ट होगी, दोनों के बिटवीन होगी। तो यहाँ पे देखेंगे पेपर इरेजर एंड बॉल दिया हुआ है, पेपर इरेजर एंड बॉल। तो पेपर इरेजर एंड बॉल में सबसे ज्यादा लाइटर क्या होगा, पेपर होगा। तो यहाँ पे आ गया हमें पेपर, ठीक है। अब इरेजर एंड बॉल, तो बॉल सबसे ज्यादा हैवी होगी, तो यहाँ पे आ गया है बॉल। और फिर इसके बीच में इरेजर, तो इरेजर यहाँ पे आ गया। तो थ्री थिंग्स लिया है और हमने बताया विच इज लाइटेस्ट, विच इज हैवीएस्ट एंड विच इज इन बिटवीन वेट, इसका दोनों के बीच में वेट होगा। तो ऐसे ही आपको और कोई थ्री थिंग्स लेनी है, जैसे कि हम क्या लेते हैं, ऑरेंज, कोकोनट एंड पम्पकिन। ऑरेंज आपने देखा है, कोकोनट भी देखा है और पम्पकिन भी देखा है, तो क्या क्या लेते हैं हम, ऑरेंज, कोकोनट एंड पम्पकिन, ठीक है। ये थ्री थिंग्स लेते हैं, हमने ऑरेंज लिया, कोकोनट लिया, पम्पकिन लिया। अब इसे हमें इसमें अरेंज करना है, तो सबसे लाइटर कौन सा होगा, सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, तो वो होगा ऑरेंज, यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज। अब सबसे हैवी क्या होगा, तो पम्पकिन जो होगा वो सबसे हैवी होगा, कौन सी चीज है जिसका वेट दोनों के बिटवीन होगा, तो वो होगा कोकोनट, ठीक है। इसी टाइप से आप कुछ और भी ले सकते हो, आप क्या ले सकते हो, हैंडकरचीफ, आपका जो हैंकी होता है रुमाल बोलेंगे, आपका स्कार्फ ले सकते हो और शॉल ले सकते हो। तो सबसे हैवी कौन सी होती है, शॉल जो होती है सबसे हैवी होती है, हैंडकरचीफ सबसे लाइटेस्ट होगा और जो स्कार्फ होगा वो दोनों के बिटवीन होगा। ऐसे आप कुछ और भी चीज ले सकते हो, ऐसे आपको थ्री थिंग्स लेना है और बताना है लाइटेस्ट इन बिटवीन वेट एंड हैवीएस्ट, तो ये एक्टिविटी है। और टू थिंग्स लेके भी आपको देखना है विच इज हैवी एंड विच इज लाइटर, ये आपको करना है। और ये जो मनु और हेर की जो स्टोरी बताई थी वो अच्छे से रीड